ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। खबर के लिए रुक कर रहे हैं पखांजूर की ओर, जहां देवपुर और मरोड़ा में स्मार्ट लैब के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां लैब सामान आपूर्तिकर्ता ने लाखों की राशि अपने खाते में अंतरित करवा ली है। दरअसल कांकेर के जिला पंचायत सदस्य ने देवपुर और मरोड़ा हाई स्कूल में लैब स्थापना के लिए 7 लाख की राशि स्वीकृत करवाई है। लैब सामान की आपूर्तिकर्ता ने स्कूल में महज 2 लैब टेबल और 3 अलमारी भिजवाया और पंचायत के सचिव सरपंच पर दबाव पूर्वक अपने खाते में अंतरित बाकी की राशि करवा ली। गबन की राशि आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार और जिला पंचायत को जरूर मिल गया, लेकिन स्कूल छात्र लैब से वंचित रह गए। अब देखना होगा कि प्रशासन फर्जीवाड़ा मामले में क्या कार्रवाई करती है। वो मैं प्रभारी जाने के सर, मतलब अभी तो मैं प्रभार में हूँ, मैं लेकिन हमारे प्रभारी अभी छुट्टी में है, वही बता सकते हैं क्या सामान दिया गया लैब में। और सामान के बारे में सर मेरे को तो उतना नहीं है, विज्ञान वाले जो प्रभारी हैं उन लोग बता सकते हैं। कितना लाख आहरण किया गया पता है कुछ? उसके बारे में पता नहीं सर। 2 टेबल दिखाई दे रहा है वहाँ पे? जी सर, 2 टेबल है और 3 अलमारी है सर। बाकी कुछ दिया है क्या? और उसके बारे में तो मेरे को पता नहीं है सर। कौन से मत से आए भी पता है आपको? नहीं सर, जिला पंचायत मत से। हाँ, इसके बारे में मतलब जिला पंचायत से आया करके बोल रहे हैं, लेकिन प्रभारी बता सकते हैं सर। प्रभारी कहाँ है अभी? अभी छुट्टी में है सर। कितना दिनों से है? 3 दिनों से, मतलब कल तक आ जाएंगे। आप प्रभार में? जी सर। आपके लैब में क्या क्या सामग्री मिला? 2 टेबल है सर और 3 अलमारी, बस इतना ही है। कितना दिन पहले मिला ये सर? 8 से 9 महीने के आसपास। कौन से मत से दिया गया? जिला पंचायत से आया था सर। अच्छा, तो यहाँ से भी प्रस्ताव बना होगा सर? अब वो तो जानकारी नहीं है। नहीं है जी। कोई अधिकारी आया था जांच में? नहीं आया। किसके थ्रू दिया गया यहाँ पे? जिला पंचायत सदस्य हैं सर। कोई ठेकेदार? मैडम उनके। कोई ठेकेदार? नहीं नहीं पता, जानकारी नहीं सर। 15वित्त जिला पंचायत जो 15वित्त आता है, उस निधि से हमको आदेशित तौर पर जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद जो 3.5 लाख रुपया का जो स्वीकृति आदेश हमको मिला था, उस 3.5 लाख के स्वीकृति मिलने के बाद हमने उस फाइल को मंगवाए। मंगवाने के बाद जो पहले किस्त डलती है 15वित्त में, क्या है, पहले समान किराए होता है, उसके बाद एक किस्त डलती है और उसके बाद जब संपूर्ण रूप से समान तैयार होता है उसके बाद उस फाइल का दूसरा किस्त जमा होता है। तो इसका क्या हुआ था, पहले किस्त जब राशि आई, हमने सामान को देखा तो हमको अच्छा नहीं लगा था कि पूर्ण रूप से हुआ है, उसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं था। जब आदेश देखे 3.5 लाख रुपया एक साइंस का लेब बनाकर उसका तैयार करना था, लेब के सामग्री प्लस उसको तैयार करने के लिए, तो 3.5 लाख रुपये जिला पंचायत 15वित्त के निधि से जमा हुई आदेश के तौर पर आया था और वो दोनों किस्त एक साथ हुआ और हमको कहा गया कि हमारे इतने इतने सामान हैं, हमको दिखाया गया, तो जिस सामान को देखते हुए हम लोग को अच्छा नहीं लगा था, जिसके तौर पर हम लोग नहीं किए थे, लेकिन बाद में सभी पंचायत वाले लोगों का जहाँ जहाँ पे हुआ था हायर सेकेंडरी स्कूल में, वो सभी पंचायत के जिला पंचायत से बार बार बोल रहे थे उसको फाइल को आगे बढ़ा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।